वेलकम दोस्तों, सी लैंग्वेज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित रुद्रा आज आप लोगों को वाइल लूप के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइल लूप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो क्या है। तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी वेरिएबल के अंदर प्रारंभिक वैल्यू डालना। जैसे मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या होगा, ये जो 1 है ये ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल और ब्रैकेट में लिखते हैं हम कंडीशन। कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन या शर्त लगा सकते हैं, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी इज़क्वल टू, इस तरह से जो हम वैल्यू लिखते हैं उसको हम कंडीशन कहते हैं। तो वाइल में हमें देनी है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर ये जो कर्ली ब्रेस के जो पूरा ब्लॉक दे रखा है इसके अंदर जो भी लाइन लिखी होगी उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा, बार बार रन करेगा। तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर। स्टेटमेंट जैसे प्रिंट एफ हो सकता है, स्कैन एफ हो सकता है, कोई भी आपकी कमांड हो सकती है। इसके बाद आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर ए प्लस प्लस, तो ए के अंदर वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका इंक्रीमेंट कहलाता है। डिक्रीमेंट किसे कहते हैं, जैसे आपने लिख दिया ए माइनस माइनस, तो ये आपका डिक्रीमेंट कहलाता है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो ये इसका सिंटैक्स है यानी लिखने का तरीका है। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में वाइल लूप किस तरह से काम करता है। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले वॉइड मेन लिखा हमने, उसके बाद यहाँ पर हमने इंटीजर ए से एक वेरिएबल बना रखा है। यहाँ पर सी एल आर से हमने सी एल आर एस सी आर एक बिल्ड इन फंक्शन है जिससे स्क्रीन क्लियर होती है, स्क्रीन पर कोई भी पिछला आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ए इजक्ल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है। इससे क्या होगा, ये जो 1 है ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, नहीं ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ए में 1 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी कि ए जो है लेस देन है और इजक्ल टू है 3। तो अगर ए की वैल्यू, ए के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 3 से छोटी होगी तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जो भी आपने लिखा है इस ब्लॉक के अंदर उसको बार बार रन करेगा। तो अभी कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए के अंदर 1 है, तो इसलिए ये ए की वैल्यू यानी 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू 1 की जगह 2 हो जाएगी, तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके बाद कर्सर दोबारा ऊपर आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए लेस देन इक्वल टू 3, अब ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ये 2 है क्योंकि जो 2 है वो 3 से लेस देन होते हैं। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो एक बार ये फिर ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है, तो इसे 2 प्रिंट हो जाएंगे। फिर से ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, ए के अंदर 3 हो जाएंगे, कंडीशन चेक करेगा, अब अभी इक्वल टू तो है, 3 3 के बराबर होता है, अभी भी ट्रू है, तो प्रिंट कर देगा ए की वैल्यू, 3 प्रिंट हो जाएंगे। फिर से ए की वैल्यू में इंक्रीज होगा, 4 हो जाएंगे, 4 होने के बाद दोबारा जब कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 4 जो है वो 3 से लेस देन नहीं होते। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 1 2 3 प्रिंट होगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब इसी को हम बना के देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो सी लैंग्वेज का मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और इस न्यू फाइल के अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम हमें void main से स्टार्ट करना है। मैंने लिखा void और यहाँ लिखा मैंने main। याद रखना है जो भी आप कीवर्ड्स या कमांड्स आप लिख रहे हैं ये सब स्मॉल लेटर में आपको लिखनी है क्योंकि सी लैंग्वेज बिल्कुल केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए सब कुछ स्मॉल में लिखना है आपको। तो यहाँ पे int a से एक मैंने वेरिएबल बनाया, सी एल आर एस सी आर, इससे मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। अब यहाँ पे मैं लूप चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखा वाइल और यहाँ पे मैं कंडीशन एक लाइन भूल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इजक्वल टू 1, इनिशलाइजेशन वाला पार्ट आएगा पहले। उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन देंगे ए लेस देन इक्वल टू 3 और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी हमें लिखनी है, जो भी वर्क करना है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे इसमें परसेंट डी आएगा, परसेंट डी, और यहाँ पे हम ए की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट हो गई। अब इंक्रीमेंट करना है हमें, तो ए प्लस प्लस कर देंगे तो ए की वैल्यू हर बार इंक्रीज होती जाएगी।
और आउटपुट रोकने के लिए यहाँ लिखेंगे हम गेट सी एच, ये हमने आउटपुट रोक दिया। उसके बाद आप सेव कर देते हैं प्रोग्राम को, किसी भी नाम से आप सेव कर दीजिए, ये मैंने सेव कर दिया। आप रन करते हैं प्रोग्राम को तो देखिए आउटपुट कितना आया, 1 2 3। 1 2 3 कैसे आया आउटपुट इसका, क्योंकि ये जो लूप है 3 बार चला, क्योंकि ए लेस देन 3, ए की वैल्यू जब तक 3 से लेस देन है तो इसलिए 3 बार प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो 1 से लेकर ये 5 तक प्रिंट कर देगा नंबर, ये देखिए, और 10 तक के नंबर मुझे प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा तो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, ये देखिए। अगर थोड़ा सा आपको स्पेस देना है तो यहाँ पर आप हल्का सा स्पेस दे सकते हैं, परसेंट डी के बाद में, इससे थोड़ा दूर दूर प्रिंट होगा, ये देखिए इस तरह से। और अगर आप नीचे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप बैकस्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं, तो बैकस्लैश एन से आउटपुट जो है वो नीचे की तरफ प्रिंट होगा। फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को, ये देखिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए। इस तरह अगर मान लीजिए आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बेहद आसान है, आपको ए का मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है जिसका टेबल आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई ए से होगा, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 1 से होगा तो 2 1 2 आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2 हो जाएगा, तो अगली वैल्यू क्या आएगी, 2 2 4, इस तरह से, तो 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। इसे रन करके देखते हैं हम इसको, तो ये देखिए 2 का टेबल प्रिंट हो गया। अगर 5 का टेबल प्रिंट करना है तो 2 की जगह हम 5 कर देंगे, और फिर रन करके देखते हैं हम, तो इससे क्या होगा आपका, ये देखिए 5 का टेबल आ गया। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो नंबर डालें उसका टेबल प्रिंट हो तो उसके लिए हमें रन टाइम इनपुट लेना पड़ेगा, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एन ले लिया, और यूज़र से यहाँ पे हम मैसेज लेके एक नंबर ले लेते हैं रन टाइम में, तो उसके लिए प्रिंट एफ लिखेंगे यहाँ पर, और मैसेज दे देते हैं यहाँ पे एंटर द नंबर, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। स्कैन एफ का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें रन टाइम में इनपुट देना है, रन टाइम के इनपुट के लिए अलग से एक वीडियो पहले डाल चुके हैं तो उसको आप देखें तो समझ में आएगा स्कैन एफ का क्या यूज़ है यहाँ पर। ऐसे संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, स्कैन एफ क्या करता है, रन टाइम में कर्सर को रोक के रखता है और जो भी आप नंबर डालेंगे वो एन में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर 5 को मिटा के एन कर देते हैं, तो जो भी नंबर हम डालेंगे उसका मल्टीप्लाई ए से होगा और उसका टेबल हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो रन टाइम में 7 डाला तो 7 का आ गया। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, और अगर मैं देखिए यहाँ पे 3 डालता हूँ तो 3 का टेबल आ गया। तो इस प्रकार हम इच्छा अनुसार जो भी हम नंबर डालेंगे उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाइल लूप का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।